हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नेपाल में अगर MBBS या सी जो प्राइम मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, स्पेशली जो सी होता है उस किसके लिए होता है, मैंने ये बताना कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो सी एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोला जाता है उसका, अगर पूरा फुल फॉर्म के लिए बोला जाता है MEC-CEE होता है, मेडिकल एजुकेशन कॉमन सॉरी मेडिकल एजुकेशन कमीशन। MEC का मतलब वही मेडिकल एजुकेशन कमीशन और CE का मतलब वही कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये होता है। और उसके पछाड़ी लगा होता है BL, अब जो भी ईयर में हो रहा है उसका ईयर का नाम, तो BL और ईयर हो गई। और उसके बाद कनेक्ट मतलब कि आपको देखने को मिलेगा अगर PG के लिए हो रहा है तो PG, तो वहाँ पर देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जो मेडिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो आपको देना पड़ता है। आप बैचलर परस्यू करना चाह रहे हैं या MBBS में बैचलर आता है, BDS आता है, BSc नर्सिंग आता है, BPOP फिजियोथेरेपी, बी बैचलर जो भी सब्जेक्ट स्ट्रीम है उसके लिए आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा मेडिकल में के लिए। और उसी तरह से आप PG के लिए बात छोड़ दिया जाए, बैचलर की बात कर रहे हैं। और बैचलर से नीचे है जैसे कि HA हो गई, CTBT हो गई, तो इस सब के लिए आपको मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कराता है, तो इस सब के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं कि अगर आप बैचलर परस्यू करना चाह रहे हैं, 12 क्लास का रिजल्ट अभी फिलहाल आया है, बैचलर परस्यू करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ कितना मार्क होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, किस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप ये सिंपल सा पूछा जाए, आप पहले ट्रांसक्रिप्ट आपको अगर मिलता है, जैसे कि 12 क्लास की रिजल्ट आपको NEB जो नेशनल एजुकेशन बोर्ड है यहाँ की नेपाल की, वो आपको प्रोवाइड करता है, तो आप ये समझिए कि आप बैचलर डिग्री परस्यू करने के लिए एलिजिबल है। आपके पास डिग्री आ जाता है जो NEB का बोर्ड का 12 क्लास का डिग्री है वो आ जाता है, तो आप उसे नेपाली में, नेपाल की जो कंटेक्स्ट है उसमें बोला जाता है ट्रांसक्रिप्ट, अगर वो आपको मिल जाता है तो आप बैचलर इजीली परस्यू आउट कर सकते हैं। अब बात आती है वो बैचलर हो गई, लेकिन आपको तो जाना है मेडिकल फील्ड में, तो मेडिकल फील्ड कैसे परस्यू, मेडिकल फील्ड के लिए एलिजिबल क्या है, जैसे कि मेडिकल फील्ड में MBBS हो गई, BDS हो गई, BSc नर्सिंग हो गई, फार्मेसी हो गई, BOPTOMETRY हो गई, तो इसके क्या एलिजिबिलिटी है। तो मेडिकल एजुकेशन ने जो ग्रेड है, बच्चा सब स्पेशली कंफ्यूज होता है कि मेरा D+ आया है, D आया है, C आया है, प्रैक्टिकल में A आ गई, दूसरे में C आई, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेडिकल एजुकेशन जो है उसने कुछ भी नहीं कहा है कि आपको ये सब्जेक्ट में D आना चाहिए कंपलसरी, ये सब्जेक्ट में A+ आना चाहिए, ये सब्जेक्ट में B+ आना चाहिए, उस तरह से कुछ भी नहीं। मिनिमम सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एग्रीगेट में जो क्राइटेरिया है वो है। तो जैसे कि आपको जो टोटल मार्क होता है, जो टोटल GPA होता है, जिसको कैलकुलेशन में आपके मार्कशीट के नीचे दिया होता है, जैसे कि 2.4, 2.3, 2.7, 2.8, 3, 3.5, इस तरह से जो भी ग्रेडिंग है उसके नीचे दिया होता है, तो उस ग्रेडिंग सिस्टम में आपका ऑलमोस्ट 2.4 आना चाहिए। 2.4 आता है आपको तो आप नेपाल के जो एग्ज़ाम है मेडिकल की कॉमन एंट्रेंस एग्जाम वगैरह से उसमें आप एलिजिबल हैं। लेकिन 2.4 से जैसे कि आप सारे सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे नंबर ले आए हैं, डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और लेकिन वहां पर आपको ग्रेडिंग में 2.4 से ज़्यादा से भी कम है, 2.35 है, 2.39 है, तो भी आप 0.01 के भी डिफरेंस है, आपको नहीं 2.4 नहीं आ रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, आपको 2.4 आया है तो आप एलिजिबल है। और एक और बात बताते हैं, इसी को परसेंटेज में बताता है। तो अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो आपको 12 क्लास में एग्रीगेट में 50% आया है, आप 50% है तो आप ये समझिए कि आप मेडिकल एजुकेशन के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसका फॉर्म नवंबर में इस साल के लिए जो नवंबर में आ रहा है, तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 50%। तो सो हम इसी को कंक्लूड करते हैं, आपको बैचलर प्रोग्राम परस्यू करने के लिए, कोई भी बैचलर प्रोग्राम परस्यू करना चाह रहे हैं आप नेपाल में, तो आपको आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्ट आपको कब देगा, आपका ग्रेडिंग में कहीं भी NG नहीं आया है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर प्रोग्राम के लिए। और लेकिन आपको वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट में NG है,
तो आप फिर से एक एनजी है तो फिर से आप ग्रेड अपग्रेड करने के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं, उसका अपग्रेड करा सकते हैं, और दो भी है तो दे सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा है तो नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको डी भी आया है तो आप ग्रेड को अपग्रेड नहीं करा सकते हैं, डी भी आया है तो अपग्रेड नहीं करा सकते। डी एनजी जब तक आएगा तभी आप री एग्जाम दे सकते हैं और अपग्रेड करा सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट में आपका डी सी कुछ भी है, डी है, सी है, डी तक जो है एनजी नहीं होना चाहिए, और डी भी है प्रैक्टिकल में या थ्योरी में कुछ में भी, तो आप एलिजिबल है, मेडिकल में आ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली मैं कहूँगा आप ये इंडिविजुअल देखना छोड़ दे, सिर्फ देखे आपके मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट में एनजी है कि नहीं। एनजी नहीं है तो आप मेडिकल के लिए एलिजिबल है। और एक और चीज़ देखें, आपका जो टोटल जीपीए है, सीजीपीए बोलता है, तो उसमें आपका टोटल जीपीए में कितना है, 2.4 है तो एलिजिबल है, या 2.4 से ज़्यादा है तो एलिजिबल है, 2.4 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसी तरह से आप मेडिकल जो परसेंटेज में आपका दिया गया है 12th क्लास की मार्कशीट पर, तो आप वहां पर देखिए आपकी टोटल एग्रीगेट में 50% हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो आप एलिजिबल है। ओके गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। और आप एमबीबीएस इन नेपाल या एमबीबीएस इन बांग्लादेश या एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं, तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं, क्वेरी आउट कर सकते हैं, या कोई भी कंट्री की फॉर्म फिलअप करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है या उसकी प्रोसेस जानना है आपको, तो आप हमसे क्वेरी आउट पूछ सकते हैं। वो हो सकता है तो मैं उसे सॉल्व आउट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको रिफरल बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर सॉल्व करवा सकते हैं कुछ क्वेरी। तो सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और आने वाले वीडियो में थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आएंगे कि आप एमबीबीएस, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट भी प्रूफ करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या चीज़ें दी गई है, तो आप उसमें एलिजिबल है और पढ़ सकते हैं। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।